चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसलिए लाइव आए हैं, कौशलेंद्र कुमार वर्मा सर का बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो ये हम लोगों को कन्फर्म करना ज़रूरी है कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा द्वारा जो ये आप पत्र देख रहे हैं, ठीक है, हमने उनसे बात की, हमने कहा कि ये जो आप भेजे हैं तो ये क्या सच है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सच है, हम गलत बात शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ हमारी कॉल पे बात हुई, तो वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे, तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। जो भी, ठीक है, तो आखिर सच्चाई क्या है, ये जो लेटर आप लोग देख रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है ना। इसीलिए हम स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले ये पत्र थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। आज 18 मार्च को बिहार राज्य आशा संघ, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ, बिहार राज्य ममता संघ एटक की संयुक्त बैनर के तले अमरनाथ रोड के केदार भवन में बैठक आशा फैसिलिटेटर वसुंधरा देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संघ के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने कहा, आज संघर्ष के बल पर आशा फैसिलिटेटरों को 21 दिन का प्रत्येक दिन 500 रुपया के हिसाब से 10,500 हुआ है एवं वैक्सीन कुरियर को आर ए को 130 ग्रीन चैनल का 110 रुपया एवं आशा को प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। आशा को सिम पर 50 रुपया बढ़ाया गया है, सारी पर 200 रुपया बढ़ाया गया है एवं उन राशि में बढ़ोतरी हुई है के उन राशि में बढ़ोतरी हुई है। संघ के कुरियर संघ के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने भारत सरकार को बधाई दिया है एवं राज्य की तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर आशा एवं ममता को संघर्ष के लिए बधाई देता हूं। आगे आशा के मानदेय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। 25,000 वेतन एवं 14 सूत्री मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव के बाद आशा का मानदेय 12,000 लड़के लेंगे। बैनर के तले संघर्ष का परिणाम आज मिला है। बैठक में सभी जिला प्रखंड के अध्यक्ष सचिव ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करने वाले संघ के सचिव परमिला ठाकुर, सुनीता सिंह, आशा फैसिलिटेटर के नेत्री वसुंधरा देवी, हिंदू माली, दीपा कुमारी, आशा नेत्री ज्योति कुमारी, वैक्सीन कुरियर के नेता मनोज अरोड़ा, अशोक दास, सुपौल जिला के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भोजपुर जिला के नेता राणा कुमार छपरा, जिला के नेतृत्व अमरावती देवी आदि लोगों ने भाग लिया। आपका कौशल कुमार वर्मा, महासचिव, ठीक है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करी है। देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस बैठक की तस्वीरें हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कल ही आपको इन्फॉर्म किया था कि 18 मार्च को कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने जो है आप लोगों को बैठक में आमंत्रित किए हैं, तो आप लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, बैठक में तमाम आशा कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हमने उनको कहा कि पत्र कहाँ है, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद हम कॉल किए उनको सीधे, ठीक है, उनको हम सीधे कॉल किए। तो कॉल करने के बाद क्या हो वो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा समझते हैं। यानी कि देखिए, जब उन्होंने जो है उनकी बात हमारी बात जब उनसे हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर, ठीक है, संपन्न हुई है। तो आशा फैसिलिटेटरों का 500 के हिसाब से 21 दिन का 10,500 हुआ है और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है, ठीक है, तो तमाम चीज़ें जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। सीम के लिए 50 रुपया बढ़ाया गया है और इन्होंने कहा है कि लड़ाई जो है आगे जारी रहेगी। अब हम आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो इनसे कॉल पर बात हुई, ठीक है। तो चलिए आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी, देखिए हमने यहाँ पे कॉल किया जो है कौशलेंद्र कुमार वर्मा को। कॉल करने के बाद कौशलेंद्र कुमार वर्मा कॉल को रिसीव की, उसके बाद बात हुई, ठीक है। तो
तो बात होने की, देखिए यहाँ पे बात शुरू हो चुका है, आप लोगों को आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, क्या बात हुई है, इसलिए हमने जो है रिकॉर्डिंग इसको कर लिया है, इसको इस जो है इसका वॉइस हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। देखिए यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग को हमने स्टार्ट कर लिया है, तो बात हुई आपने देखा है। अब हम आपको वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, सुनाते हैं, ताकि मेरे और उनके बीच क्या बातचीत हुई, ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम भी ये पता करते हैं कि ये सच है या फिर गलत है। तो इसलिए हमने जो है सीधे कौशल कुमार वर्मा को हमने कॉल किया, ताकि पता चले कि ये रियलिटी में है या फिर गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमने उनको कॉल किया। अब यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। तो यहाँ से हम आपको रिकॉर्डिंग सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर उनकी और मेरे बीच क्या बात हुई, ताकि आपको बिलीव हो जाए, है ना। तो हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को निकाल लेते हैं। ये फोन रिकॉर्ड है और ये इनका नंबर है। तो वो 10,500 रुपये ऐसा फैसिलिटेटर का हुआ है? 10,500। अच्छा, तो इसका मतलब कोई पत्र पत्र तो भेजा है? वो तो लंबा है, तो सफेद मिलता है। नहीं तो पत्र भेज दीजिए, हम दिखा देंगे। ना ना, वो लंबा कितना भेजा जाएगा? अच्छा तो अच्छा, मतलब कौन बोले हैं ये 10,500 रुपये? कौन ये आश्वासन दिए? भारत सरकार के द्वारा मिल रहा है ना, कोई व्यक्ति सुने तो भारत सरकार के द्वारा एक पैसा पास हुआ। ओ अच्छा, ये भारत सरकार के द्वारा है? हाँ, भारत सरकार का। और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं हुआ? प्रशासन से बढ़ाया है, इसको बोला जून महीना में करेंगे, आचार संहिता लागू हो गया। बड़ा होने के लिए है? हाँ, आचार संहिता लागू होने के कारण तो घोषणा भी नहीं कर पाया होगा ना। इसका कितने पहले निकल गया था कोरियर का? आशा नहीं निकल सका था, लेकिन बोला जून में करेंगे। ठीक है सर, यही इन्फॉर्मेशन लेना था। कन्फर्म बता रहे हैं, गलती से उन्होंने करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो है ये बिहार सरकार की तरफ से नहीं मिला, ये भारत सरकार की तरफ से। जब हमने कहा कि आचार संहिता लागू है, तो फिर ये घोषणा क्यों नहीं किया, ये आश्वासन किसने दिया आपको? तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही जो है बात हो गई थी, ठीक है, पहले ही लेटर जारी था। और हमने कहा कि पत्र भेजिए, तो उन्होंने कहा कि पत्र जो है 26 पेज का है, इसलिए इतना बड़ा कैसे भेजा जाएगा, ठीक है। खैर देखिए, हम प्रयास करते हैं वो पत्र हमें जल्दी से जल्दी मिले, क्या बातचीत हुई, कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी है। और फिलहाल अभी आचार संहिता चल रहा है, तो इसलिए अभी फिलहाल तो कोई नेता घोषणा नहीं करेगा, ठीक है। आचार संहिता लगने के कारण कोई भी नेता किसी भी प्रकार कोई बयान अभी यहाँ पर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्लाइड में आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आशा फैसिलिटेटरों का जो है 10,500 रुपया हुआ है, 500 के हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में वृद्धि की गई है, ठीक है। तो प्रोत्साहन में कितना वृद्धि हुआ है ये अभी गुप्त रूप से है, लेकिन सिर्फ ये बताया जा रहा है कि प्रोत्साहन में वृद्धि हुई है। इससे पहले भी कौशल कुमार वर्मा ने जो है आशा कार्यकर्ताओं के 3,000 को लेकर के इसी तरह से जो है उन्होंने एक बार कहा था। तो इसलिए आज हमने जो है सीधे उनसे कॉल किया, तो उन्होंने कॉल पर भी यही कहा कि हम जो है जो भी भेजते हैं वो सही है, हम गलती से नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने भी शायद वो रिकॉर्डिंग सुना, तो ये बात जो है हमारे और कौशल कुमार वर्मा के बीच हुई है। बाकी और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है इनको लेकर, ठीक है, ये जो है इसको लेकर, इस पत्र को लेकर, ये 26 पेज का जो पत्र है, ये किस प्रकार से जो है हमें मिल सकता है, हम प्राप्त करने की लगातार कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कभी भी आपको वो पत्र मिल सकता है, हम आपको बता सकते हैं कि कितना प्रोत्साहन में वृद्धि हुई है, कौन कौन से प्रोत्साहन में वृद्धि हुई है। फिलहाल सारी के लिए भी 200 रुपया बढ़ गया है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 12,000 मानदेय को लेकर हम आगे जो है और लड़ाई लड़ेंगे आचार संहिता के बाद, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, हर एक खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद।